फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो, हाँ आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। जब तुम्हारा मन बोझिल हो, चलते चलते थक गए हो, जब तुम्हारा मन बोझिल हो, चलते चलते थक गए हो, अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, उसको है तुम्हारा ख्याल। अपना बोझ प्रभु पर डाल दो, उसको है तुम्हारा ख्याल। हाँ आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। जब तुम्हारा प्राण व्याकुल हो, जीवन में निराशा हो, जब तुम्हारा प्राण व्याकुल हो,
भरोसा प्रभु पर, जीवन को आनंद से भरेगा। रख अपना भरोसा प्रभु पर, जीवन को आनंद से भरेगा। आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। हाँ, आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। ओ आनंदित रहो प्रभु मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। जब तुम्हें लोग सताया करे, मेरे कारण तुम्हारी निंदा हो। जब तुम्हें लोग सताया करे, मेरे कारण तुम्हारी निंदा हो। हिम्मत न हारो, सब कुछ सह लो, स्वर्ग में है तुम्हारा बड़ा प्रतिफल। हिम्मत न हारो, सब कुछ सह लो, स्वर्ग में है तुम्हारा बड़ा प्रतिफल। आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। आज की सुबह जैसा हम गा रहे हैं, आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, आप अपने आप को थोड़ा याद दिला कर के कहें, जीवन में निराशा है, जीवन में बोझ है, लेकिन आज सुबह प्रभु का वचन हमें स्मरण दिला करके कहता है, हमारा बोझ उठाने वाला, हमारी निराशा को आशा में बदलने वाला एक परमेश्वर है, जिसकी हम आराधना आज की सुबह करने के लिए आए हैं। ताली बजा करके मिल करके कहे प्रभु से, ओ जब तुम्हारा मन बोझिल हो, चलते चलते थक गए हो। जब तुम्हारा मन बोझिल हो, चलते चलते थक गए हो, अपना बोझ प्रभु पर डाल दो। उसको है तुम्हारा ख्याल, अपना बोझ प्रभु पर डाल दो। उसको है तुम्हारा ख्याल। आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। हाँ, आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित। मिल करके कहे, आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। जब तुम्हारा प्राण व्याकुल हो, जीवन में निराशा हो। जब तुम्हारा मन व्याकुल हो, जीवन में निराशा हो, रख अपना भरोसा प्रभु पर, जीवन को आनंद से भरेगा। रख अपना भरोसा प्रभु पर, जीवन को आनंद से भरेगा। आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो प्रभु में, सदा आनंदित, मिल करके कहे, आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। जब तुम्हें लोग सताया करे, मेरे कारण तुम्हारी निंदा हो। जब तुम्हें लोग सताया करे, मेरे कारण तुम्हारी निंदा हो। हिम्मत न हारो, सब कुछ सह लो, स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल। हिम्मत न हारो, सब कुछ सह लो, स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल। आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। हाँ, आनंदित रहो प्रभु में, ओ मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। आनंदित रहो प्रभु में, आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ सदा आनंदित रहो। आमेन, हालेलुया, बड़े आनंद के साथ में आज
सुबह कहे मेरा भरोसा मेरे यहोवा परमेश्वर के ऊपर है, जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझ में अच्छा कार्य आरंभ किया है वो उस दिन तक पूरा करेगा और हर बातों में वो वफादारी के साथ में मुझे लिए चलेगा, क्योंकि मेरा भरोसा उसके ऊपर है। ओ तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से, अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए, दलदल की से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए, क्षमा किया है तमा पाप को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ, क्षमा किया है तमा पाप को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ, तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से, अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, ओ तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए, कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए, विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा, विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा, तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से, अभी तेरे ही समान मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, ओ तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में, टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में, नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, तेरे लहू से मुझे धो ले तू प्रभु पूरी तौर से, अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। आज की सुबह में यह हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जब तू मुझे धोएगा, जब तू मुझे साफ करेगा पूरी रीति से, तू मुझे साफ कर, कोई किसी प्रकार का कलंक, कोई किसी प्रकार की झुरी मुझ में रहने ना पाए, आज सुबह तेरा लहू मुझे पूरी रीति से साफ करने पाए। हालेलुया। ओ टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में, टूटा हुआ मन चाहता है तू, कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में, नया बनाया दया करके
स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, नया बनाया दया करके, स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया, तेरे लहू से मुझे धोल तू प्रभु पूरी तौर से, अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, ओ तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान मिलकर के आज सुबह हमारी ये प्रार्थना है, ओ काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, दलदल की कीस से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए, दलदल की कीस से मुझे उभारा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए, क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ, क्षमा किया है तमाम पापों को, स्मरण करता हूँ कि मैं मिट्टी ही हूँ, तेरे लहू से मुझे धोल तू प्रभु पूरी तौर से, अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में, ओ तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए, कलवरी पर बलिदान हुआ तू, दान और दाता है तू मेरे लिए, विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा, विश्वास में स्थिर रहूंगा और तुझसे ज्यादा प्रेम करूंगा, तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु पूरी तौर से, अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, तेरे ही समान मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद। कितने लोग विश्वास करते हैं आज की सुबह, ये मेरी प्रार्थना है आज की सुबह में, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है कि जब मेरा परमेश्वर मुझे साफ करता है, हालेलुया, वो पूरी रीति से मुझे साफ करता है। यदि आज की सुबह आपको लगता है हालेलुया मेरे जीवन में कमियां है, तो प्रभु से कहे, प्रभु आज की सुबह मुझे तेरे जैसा बना दे, प्रभु जी मेरी बातों में मेरे कार्यों में प्रभु जी तेरा स्वभाव प्रतिदिन निर्मित होना है प्रभु जी, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। आज की सुबह जैसा हमने गीत गाया, सिर्फ गीत गा करके हम जाए नहीं, लेकिन आज सुबह प्रभु से कहे, हाँ प्रभु जी, टूटा हुआ मन परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य बलिदान है। आज सुबह कितने लोग कहेंगे, प्रभु जी मैं कठोर होकर के नहीं, लेकिन टूटे हुए बर्तन के समान आज सुबह मैं तेरे चरणों में आया हूं, तू मुझे बनाने वाला परमेश्वर है, तू मुझे एक नया रूप देने वाला परमेश्वर है। आज सुबह हालेलुया मैं तेरे सामने जैसा भी हूं प्रभु, आज सुबह उपलब्ध हूं, उपस्थित हूं, तो मुझसे बात कर प्रभु जी। क्या हम अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं क्या, कुछ देर हम अपने स्थान पर खड़े होकर के उस प्रभु से कहे, प्रभु तेरा लहू मुझे सारे पापों से शुद्ध करता है, हालेलुया, मेरी कमजोरियों में,
मेरी बलहीन अवस्था में प्रभु यीशु मसीह जब तेरा हाथ तू मेरे ऊपर बढ़ाता है, मेरी कमजोरी चली जाती है, मेरे सारे अधर्म क्षमा केवल तू ही करता है। आज सुबह मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी होने के नाते मैं तेरे सामने अपने आप को उपलब्ध करता हूं। हो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने मुंह को खोल करके थोड़ी देर प्रभु से कहे, प्रभु धन्यवाद। तू ही योग्य है यीशु, तू ही योग्य है यीशु, तू ही योग्य है यीशु। हालेलुया, आराधना, आपकी आराधना, हालेलुया, आपको सुनाई देना है, आपके शब्द आपको सुनाई देना है कि आज सुबह मैं किसके सामने उपस्थित हूँ। यदि हम एक बड़े व्यक्ति के पास में जाते हैं, हम एक तैयारी के साथ में जाते हैं, क्या बोलना है, कैसे उसके सामने खड़े होना है, एक बड़ी तैयारी के साथ में हम उसके सामने जाते हैं। आज सुबह हम राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने उपस्थित होकर के उसके नाम के योग्य आराधना करने के लिए जब उसके भवन में है, आइए अपने दिल को, अपने मन को प्रभु की ओर केंद्रित करें, अपने ध्यान को उसकी ओर लगाए और कहे, प्रभु आज की सुबह मेरी आराधना, आज की सुबह में मेरे शब्द प्रभु जी, आज की सुबह में मेरा धन्यवाद प्रभु जी आपके सन्मुख ग्रहण योग्य होने पाए। धन्यवाद, हो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कितने लोग आज सुबह प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं, कितने लोग प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं। हम आराधना कितनी बार सुनते हैं, हम कितनी बार आराधना के गीतों को गाते हैं, लेकिन आज की सुबह मिलकर के वो आराधना करिए जो परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है। हालेलुया, एक ऐसी आराधना, हालेलुया, जिस आराधना को सुन करके, हालेलुया, स्वर्ग हमारे लिए नीचे उतर आता है, स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए नीचे उतर आता है। धन्यवाद, धन्यवाद, हो तूने दी मुझे एक धुन नई और घेरा एक नए गीत से, छुटकारे का मेरे शत्रु से, जब तक डर ना निकले दिल से, अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान। आप गाइए, ओ अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान। आज की सुबह जो भी डर, चाहे भविष्य का हो, चाहे वर्तमान का हो, आज सुबह अपने आप को याद दिला करके कहे, मेरे पास में एक पिता है जो मेरा ख्याल रखता है, मेरे पास में एक पिता है जो प्रतिदिन मुझे लेकर के चलता है, मेरे पास में एक पिता है जो मेरी आवश्यकताओं को जान करके मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। ओ माँ के गर्भ से तूने चुना मुझे, पुकारा मुझे प्रेम ने, नए जन्म से तेरा वंश बना, बह तेरा ही रक्त रगों में, अब मैं अब मैं डर का गुलाम नहीं संता। एक मिनट के आपने हाथों को उठा करके खुलेपन से इस बात की घोषणा कर सकते हैं क्या? शायद आज आप यहां पर एक भय के साथ, एक चिंता के साथ,
एक व्याकुलता के साथ, एक निराशा के साथ मैं आज यहाँ पर आ पाए होंगे, लेकिन आज सुबह प्रभु यीशु मसीह आपको देख करके कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास में तेरे लिए एक उद्देश्य है, मेरे पास में तेरे लिए एक योजना है, उस योजना को मैं तेरे लिए पूरा करूंगा। क्या तू विश्वास करती है? क्या क्या तू भरोसा करता है? क्या मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है, और मेरा एक बड़ा उद्देश्य तेरे जीवन में मैं पूरा करूंगा, क्योंकि तू मेरा है, मैंने तुझे अपने लहू से खरीदा है, मैंने तुझे इसलिए बुलाया है कि तू मेरे बड़े कामों का बखान करेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले, मैं साधारण नहीं हूँ, मेरे परमेश्वर ने मुझे असाधारण कार्यों को करने के लिए जगत की उत्पत्ति से पहले उसने मुझे चुन लिया। हालेलुया। मैं चुना हुआ हूँ, मैं चुनी हुई हूँ। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे इसलिए चुना है कि मैं उसके कार्यों का वर्णन करूं। हालेलुया। मैं उसके राज्य का, हालेलुया, इस धरती पर बखान करूं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हो धन्यवाद। अपने आवाजों को उठा करके प्रभु को कहे थोड़ी देर, धन्यवाद। हालेलुया। आराधना सारी दीवारों को गिराती है, आराधना सारे बंधनों को तोड़ती है, आराधना सारी बीमारियों से जंगा करती है। हालेलुया। आज सुबह आप पुकार करके कहे, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है। हालेलुया। आज सुबह तेरे नाम में, हालेलुया, जो चंगाई, जो छुटकारा, हालेलुया, जो अद्भुत कार्य तूने मेरे लिए रखे है पिता, इन दिनों में वो प्रकट होने पाए, वो इन दिनों में प्रकट होने पाए, वो इन दिनों में प्रकट होने पाए। हालेलुया। तू मेरा पिता है। ओ धन्यवाद। अंतिम बार में कहेंगे, माँ के गर्भ से, हो माँ के गर्भ से तूने चुना मुझे, द्वारा एक नए गीत से, कुर्बान माँ के गर्भ से तूने चुना मुझे, पुकारा मुझे प्रेम ने, नए जन्म से तेरा वंश बना, बहे तेरा ही रक्त रगों में, अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान। एक और बार जोर से कहेंगे, अब मैं डर का गुलाम नहीं, खुदा की संतान।